नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पहले FIs की बात की, प्रमोटर की बात की, अब हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस की। हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि कौन से ऐसे 5-6 हैं जो इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं। ये सब वीडियोस चैनल पे मौजूद है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन चैनल के ऊपर मौजूद है। इस चैनल को स्कैन क्या कीजिए, सैटरडे संडे को देखिए क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे है जो आपके बहुत काम आ सकती है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से 5 शेयर हैं जिससे क्या आपको दूरी बनानी चाहिए। हम उन शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस तो करेंगे, ये भी देखने की कोशिश करेंगे, एक डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे कि क्या ये शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में हैं, अगर हैं तो क्या मुझे रखने चाहिए, क्या मुझे भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि इन शेयर्स में से इंस्टीट्यूशंस निकल रहे हैं। जी हां, जब इंस्टीट्यूशंस निकल रहे होते हैं तो एक अलार्म वाली बात रहती है कि अगर बड़े प्लेयर निकल रहे हैं, स्मार्ट मनी बाजार से बाहर जा रहे हैं, तो क्या हमें ऐसे शेयर्स में बने रहना चाहिए। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि पूरी डिटेल एनालिसिस उन 5 शेयर के बारे में पता लगे। हो सकता है इनमें से कोई शेयर आपके पास हो और आपको आपके इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने या फ्रेश इन्वेस्टमेंट देने में शायद ये वीडियो हेल्प करे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूं फाइनेंशियली, ऐसे आप भी मुझे मोटिवेट कर सकते हैं सिर्फ एक लाइक प्रेस करके। प्लीज वीडियो में लाइक प्रेस करके ही बढ़ेगा, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब को बताते हैं कि इस वीडियो में शायद कंटेंट है, शायद लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो इसलिए आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा नया कंटेंट लेकर आने के लिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, तभी आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पे आएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को सिर्फ नाम जानने थे, नाम आपके सामने हैं, बिल्कुल 5 के 5 नाम, जस्ट डायल, IEX, सीक्वेंट, जेंसर टेक्नोलॉजीज एंड बजाज कंस्ट्रक्शंस, ये 5ों नाम आपके सामने। आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं डिटेल्ड एनालिसिस पूरा लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ में, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, जहां पे इंस्टीट्यूशंस पहले 25% होल्ड करते थे जस्ट डायल को, अब सिर्फ 7% होल्ड कर रहे हैं। तो माल बिक रहा है, कौन ले रहा है देखेंगे जाके। IEX 60% इंस्टीट्यूशंस के पास था, अब 48% रह गया, 12% का यहां पे गिरावट देखने को मिली है, 12% माल बेचा गया है। सीक्वेंट में भी 8.5% हो गया 16% से, तो 7% के आसपास का यहां से ही माल बेच दिया गया है। जेंसर टेक में भी 31% के आसपास अभी होल्ड करे, पहले 36% के आसपास होल्ड करते थे, 4% का सेल ऑफ यहां भी देखने को मिल रहा है, और एक और 4% का सेल ऑफ देखने को मिल रहा है बजाज कॉर्न में, जो पहले 38% होल्डिंग थी इंस्टीट्यूशंस के पास में, अब गिर के रह गए 33.5%। अगर आपका काम यहां तक हो गया है, यू कैन स्किप दिस वीडियो गाइस, बट इफ यू रियली वांट कंक्रीट नॉलेज, मस्त नॉलेज, बढ़िया नॉलेज, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि असली फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, क्या वाकई ये शेयर छोड़ देने चाहिए, क्या इनमें से कोई शेयर हमें होल्ड भी करना चाहिए। फाइनल डिसीजन आपका हुआ, मैं कोई भी खरीदने बेचेंगे आपको सलाह नहीं दे रहा हूं। हम आगे अपने सिंपल और बेस्ट स्क्रीनर के ऊपर में screener.in गाइस, मैं बिल्कुल भी इसका प्रमोशन नहीं करता, बट हाँ मुझे ये अच्छा लगता है, जहां जाना चाहे वहां पता कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्क्रीनर्स अवेलेबल है। जस्ट डायल लिमिटेड की हम बात करते हैं, 6,700 करोड़ की कंपनी, हमने इसको पहले भी कवर किया है, पर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। 800 रुपये का इसका भाव, बुक वैल्यू 400 रुपये की है, ROC 12% की, ROE 10% के आसपास की, फेयर एनफ, ओके ठीक ठाक। इंडस्ट्री का P 45 का है, कंपनी बहुत ही महंगी दिखाई देती है, 81 का PE कंपनी का है, तो यहाँ पे कंपनी महंगी है। कंपनी के पास 76 करोड़ के डेट थे और कंपनी का शेयर कैश इक्विवेलेंट है 33.6 करोड़ के, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, इतना तो कंपनी कहीं से भी और प्रोविजन कर सकती है। जस्ट डायल क्या करती है, जस्ट डायल से अगर आपको किसी को कुछ भी ढूंढना हो, आपके आसपास में क्या है, कोई कंपनी आपके आसपास में है, कोई बिजनेस आपके आसपास में है, सब कुछ जस्ट डायल पे अमिताभ बच्चन जी इसकी ऐड भी करते हैं, तो अपने आप में कंपनी बहुत ही बड़ी है। 9,500 एम्प्लॉयज कंपनी में काम करते हैं और 250 सिटीज को कंपनी कवर करती है, 11,000 से ज्यादा पिन कोड्स को कंपनी कवर करती है, तो अपने आप में एक मोनोपोली कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो यहां से इंस्टीट्यूशंस माल क्यों बेच रहे हैं, अगर बेच भी रहे हैं तो माल जा का रहा है, ये देखना होगा। चलिए इन्वेस्टर कॉलम पे ध्यान जाके पता लग गया, यहां पे प्रमोटर्स माल उठा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस तो बेच रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस में पहले 9% था, अब 3% रह गया है, पहले 16.5% FIs होल्ड करते रहे, वो 3.5% के आसपास आ गया। सेल ऑफ तो आया है, पर सेल ऑफ कहाँ से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग हैंड से, स्ट्रॉन्ग हैंड के पास जा रहा है। FI बेच रहे हैं, DIIs बेच रहे हैं, खरीद कौन रहा है, प्रमोटर। ये अच्छा साइन है, जब कंपनी के प्रमोटर को अपनी इक्विटी पर भरोसा हो तो इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में कुछ तो प्लानिंग है। पब्लिक के पास से भी माल निकल रहा है, पब्लिक 12.5% से 15% पे आ गई, तो बेसिकली वीक हैंड से भी माल निकल रहा है और वो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आई विल गिव दिस कंपनी अ बिग गो, मेरे हिसाब से मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकता हूँ, मैं इस पर स्टडी कर सकता हूँ। नेक्स्ट ईयर देखते हैं कौन सा है इस लिस्ट में जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशन के बेचने मात्र से हम भी बेचते हैं ये सही नहीं है, जब तक उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, डीप डाइव नहीं करेंगे, तब तक मजा नहीं आएगा। तो अगला शेयर है IEX, बड़ा हल्ला इस शेयर के ऊपर में, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा गाइस, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। 19,000 करोड़ की कंपनी है,
बढ़िया कंपनी है, अपने आप में एकमात्र एनर्जी एक्सचेंज है, द इंडियाज फर्स्ट एनर्जी एक्सचेंज, धंधा ही धंधा है, आने वाले टाइम में बिजनेस होने वाला है, एकमात्र कंपनी। यहाँ पे 200 रुपये का कंपनी का भाव दिखाई देता है, कंपनी का पी बहुत महंगा दिखाई देता है, क्योंकि देखो पावर सेक्टर में तो पी महंगा होगा ही हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। कंपनी के पास का डेट है 14 करोड़ की डेट है, 166 करोड़ की कैश इक्विवेलेंट है, मतलब कंपनी डेट फ्री, समझिए डेट फ्री कंपनी अगर है, और ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 59.7, ROE 46.2, क्या जबरदस्त कंपनी रिटर्न निकाल कर रखती है। तो ऐसी कंपनीज में अगर इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं तो ले कौन रहा है वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि क्या हमें भी इस कंपनी से निकल जाना चाहिए, ये आपका फाइनल डिसीजन होगा भाई। सबसे आखिरी बात यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए थोड़ी सी चीज़ें अलार्मिंग दिखाई देती हैं, दोबारा चलते हैं, शायद थोड़ा सा पेज स्किप हो गया, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं FIs क्या करें। FIs ने माल बेचा 37 से 31%, DIs ने माल बेचा 23% से 17%, खरीद कौन रहा है, आप और हम, पब्लिक, मतलब बेसिकली स्ट्रॉन्ग हैंड से ये कंपनी वीक हैंड्स में जाती दिखाई दे रही है। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, सिरे से खारिज इसको नहीं करूंगा, क्योंकि एक मतलब मोनोपोली कंपनी है। यहां पे एक बार ये देख लेते हैं कंपनी के सेल्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं, क्या सेल्स में कोई गड़बड़ है, चलिए सेल्स को देखने की कोशिश करें तो सेल्स ठीक ठाक है, जहाँ कंपनी एक टाइम पे 50-60 करोड़ की सेल्स किया करती थी, आज के टाइम में कंपनी 114 करोड़ की सेल करती है, डबल सेल्स करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी जहाँ पे 25-50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया करती थी, कंपनी आज के टाइम में 100 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंटेन करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 86% का, ह्यूज, दिस इज वेरी वेरी ह्यूज, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 80, जहाँ पहले 40 करोड़ का कंपनी आज से 2 साल पहले प्रॉफिट क्या करती थी, आज कंपनी 80 करोड़ का प्रॉफिट करती है। तो कंपनी में भैया कोई गड़बड़ नहीं है, नहीं ये शेयर आपके सामने लॉन्च हुआ था, और इस कंपनी में मेरे हिसाब से मैं बना रहूँगा, मैं इसमें और देखने की कोशिश करूँगा कि और क्या लेवल दिखाई देते हैं, क्या इसका चार्ट हम यहाँ देख सकते हैं क्या, जी हाँ चार्ट के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब यहाँ अगर देखें इस चार्ट को तो बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, ये जो टेरिटरी थी 150 रुपीस के प्राइस रेंज को ये कंपनी ब्रेक कर चुकी है, और यहाँ पे अब कंपनी थोड़ा सा साइडवेज दिखाई देती हुई डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस कंपनी का रहेगा 240 रुपए के आसपास में। जिस दिन कंपनी 225 और 240 के ब्रैकेट से बाहर जाएगी, मेरे हिसाब से इसमें एक ठीक ठाक सा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 200 रुपए का एक मेजर सपोर्ट है, अगर किसी वजह से कंपनी 200 रुपए के आसपास दिखाई देती है तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनानी शुरू कर सकता हूँ। तो मुझे ये कंपनी ओवरऑल एक ठीक कंपनी दिखाई देती है, अच्छी कैश रिच कंपनी दिखाई देती है, आने वाले फ्यूचर से जुड़ी हुई कंपनी है, तो इस कंपनी का फ्यूचर मेरे पास ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके लिए अभी मैं ऑन होल्ड में अपना डिसीजन डालूंगा, होल्ड एंड एकुमलेट, ये मेरा डिसीजन होगा, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, होल्ड एंड एकुमलेट ऑन द डिप्स, या मैं इसको कह सकते हैं बाय ऑन डिप्स, स्पेलिंग पे हो जाएगा इस, बाय ऑन डिप्स में मैं IX को रखने वाला हूँ। तीसरा शेयर इस लिस्ट में कौन सा आने वाला है देख लेते हैं, थर्ड इज सीक्वेंस साइंटिफिक, इसको भी हमने पहले कवर किया, ये भी साइंटिफिक कंपनी है, साइंस से जुड़ी हुई, एनिमल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती है, देखिए एनिमल्स के लिए फार्मास्यूटिकल्स बनाती है, और कंपनी शानदार कंपनी दिखाई देती है, 3700 करोड़ की कंपनी है, और कंपनी का ROCE 17% के आसपास का, ROE 14% के आसपास का, जो फंडामेंटल्स मेन है सही दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के पास 350 करोड़ का डेट है, जिसके बदले में कंपनी के पास में 64 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट भी है, और कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी कंपनी मैनेज कर रही है 2-3 साल से, बट यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि FIs ने कुछ माल बेचा है, प्रमोटर ने कुछ माल बेचा है, पब्लिक की होल्डिंग 37% के आसपास है। देखिए हो क्या रहा है, पहले इसकी सेल्स पर नजर डाल लेते हैं, क्या सेल्स घट रही हैं, क्या सेल्स के ऊपर फर्क पड़ रहा है, 2 साल से तो दुनिया के धंधे खराब थे, तो ये धंधे इनके भी खराब हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बट सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स ग्रो कर रही है भाई, ग्रो कर रही है, देखो 362 करोड़ मार्च 2021 में आ गई थी, यहाँ से गिरते गिरते 321 हुई, फिर 350 हुई, अब वापस 358, तो कंपनी ऑलमोस्ट 350 करोड़ के आसपास की सेल कर रही है, विच इज़ मेंटेन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी का गिर गिर के 6% के आसपास आ गया था, कंपनी ने अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया है 10% के आसपास में, तो ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कंपनी खाली 1 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गई थी जून 2000 के आसपास आते आते, वो कंपनी वापस से अब 17 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई, तो कंपनी ये रिवाइव कर रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये कंपनी भी आप बायोन डिप्स की स्ट्रेटजी के हिसाब से चल सकते हैं, और यहाँ पे इसका चार्ट क्या कहता है, चार्ट देखिए, चार्ट बहुत ही क्लियर डाउन ट्रेंड में है, अगर इसको हम ओवरऑल देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा
सपोर्ट दिखाई देता है, बहुत ही ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड में कंपनी दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक सपोर्ट जो बनेगा वो बनेगा 125 रुपये के आसपास में, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी अगर कभी 125 रुपये के आसपास दिखाई देती है तो यहाँ पे हम री एंट्री कर सकते हैं। मेरे हिसाब से री एंट्री प्राइस 125 रुपये के आसपास इसका बनना चाहिए, थोड़ा बहुत और नीचे जाएगी उसके बाद ये कंपनी ज़्यादा नीचे मेरे हिसाब से नहीं जाएगी। तो समझ लीजिएगा कि कंपनी में एक रिवाइवल का टाइम आ गया है, मेरा अपना एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपने अपनी एनालिसिस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर प्रमोटर होल्डिंग्स की बात की जाए या इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए जिनकी हम बात करें, तो इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, कौन माल ले रहा है वो देखने वाली बात है। प्रमोटर 53% पे काबिज हैं, अपना थोड़ा बड़ा माल प्रमोटर्स ने बेचा है। FIs ने 14 से 66% किया है और DIIs ने माल थोड़ा सा बढ़ाया है, पब्लिक ने माल बढ़ाया है। तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड से वीक हैंड में कंपनी मूव किया, पर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसको मैं क्वेश्चन मार्क पे रखूँगा और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ में इसके बारे में काम करने वाला हूँ और आई विल पुट एन अलार्म, मैं अलार्म लगा लूँगा कि 125 रुपीज़ के आसपास अगर आता है तो मेरा सॉफ्टवेयर मुझे अलार्म करे कि 125 के आसपास अगर ये कंपनी आती है तो फिर मैं इसमें कुछ पोजिशंस बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट कंपनी है इस लिस्ट में, जेंसर टेक्नोलॉजीज। जेंसर टेक्नोलॉजीज भी 8000 करोड़ की कंपनी है, 8000 करोड़ की कंपनी है और करंट प्राइस 362 रुपीज़ के आसपास चल रहा है और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी ROC है विच इज़ फेयर इनफ, 2 रुपये की पेडअप कंपनी है। इंडस्ट्री का P31 का है, वहीं कंपनी का P21 का है, तो अंडर वैल्यूड है कंपनी, बेसिकली फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है। कंपनी का जो डेट था पिछले साल 332 करोड़ का था और अब कंपनी के पास में 800 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ठीक है, ये समझिए, ये अच्छा पॉइंट है। कंपनी क्या करती है, इट इज़ अ लीडिंग डिजिटल सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी, लीडिंग है भैया, टॉपर्स में से आती है। मुंबई बेस्ड कंपनी है, हेडक्वार्टर मुंबई में है और पुणे में है। टॉपर्स इन टू सेगमेंट्स, एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज। तो बेसिकली ये कंपनी इट फोकसेस ऑन इंडस्ट्री व्हीकल्स सच एज हाईटेक एंड मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर सर्विसेज, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस। दे हैव ऑफिसेज लोकेटेड इन इंडिया, USA, UK, यूरोप एंड अफ्रीका। ग्लोबल कंपनी है भाई, मुझे इस कंपनी में टेंशन अभी फंडामेंटल के हिसाब से तो मुझे इसके चेक पॉइंट्स ठीक दिखाई देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके प्रमोटर्स या इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसके थोड़े से और चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें खेल क्या हो रहा है वो इंटरेस्टिंग होगा देखना, कौन कहाँ बेच रहा है, कौन कहाँ खरीद रहा है। अब यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं वो 49% इक्विटी होल्ड कर रहे हैं, उसमें कोई खास बदलाव नहीं है। FIs बढ़ा रहे हैं, देखिए FIs 15 से 17 हुए हैं। DIIs ने माल बेचा है और पब्लिक खरीद रही है, तो बेसिकली ऑलमोस्ट जो स्ट्रॉन्ग हैंड है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं इसको एक प्लस दूंगा और यहाँ पे इसको मैं नीचे के भाव पे एकुमुलेट करने की कोशिश करूँगा और मुझे इसका चार्ट देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा गाइस। चार्ट को अगर देख ले तो चार्ट कैसा दिखाई देता है, बहुत बढ़िया, एक अप ट्रेंड की कंपनी है, देखिए बिल्कुल शानदार अप ट्रेंड की कंपनी है और यहाँ पे कंपनी ने अपना एक बेसिकली एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। यहाँ पे सपोर्ट कंपनी के आसपास कंपनी को सपोर्ट मिलना चाहिए, 325 रुपये के आसपास में कंपनी एक सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी। तो 324 रुपये के आसपास में कंपनी को एक सपोर्ट मिलना चाहिए अगर यहाँ कंपनी होल्ड करती है तो, मोटा मोटा अगर ये भी ब्रेक करती है तो बेसिकली मैं एक रेंज रखूँगा इसकी 289 से 324-25 के आसपास में, मैं इसकी बाइंग रेंज या इसको मैं कह सकता हूँ एक्युमुलेशन रेंज है ना, ये मैं इसको एक्युमुलेशन रेंज में डाल दूंगा। मेरे हिसाब से मेरा अलार्म इस पर सेट हो जाएगा कि 290 से 325 के बीच में आएगा तो मैं इसको उठाना स्टार्ट कर दूँगा, यहाँ से उठाते उठाते मैं यहाँ तक इसको उठाता चला जाऊँगा, फिर इसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करेंगे, मेरे हिसाब से यहाँ पे इसका एक अच्छा खासा वापस एक टर्न वापस चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी हो सकता है यहाँ का ही आए 325 के आसपास में, फिर एक बाउंस बैक करने की कोशिश करे। तो कंपनी वैसे तो अप ट्रेंड की कंपनी दिखाई दे रही है, अप ट्रेंड में करेक्शंस हो रही है, करेक्शंस आर ऑलवेज गुड फॉर मार्केट फॉर री एंट्री, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे इस कंपनी में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, इट इज़ ऑल फाइन। और सेल्स वगैरह पे अगर नज़र डालने की कोशिश करें तो सेल्स भी बढ़ रही हैं भाई, सेल्स भी बढ़ रही हैं, सेल्स में कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे जस्ट लुक एट दैट, लुक एट द सेल्स, जहाँ पहले 1000 करोड़ की सेल्स वगैरह थी अब वो बढ़ के 1100 करोड़ के आसपास की सेल हो गई है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा सा हालांकि कम हुआ, 18% से 15% से 14% के आसपास आ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है पर नेट प्रॉफिट भी मेंटेन है, वहीं 100 करोड़ के आसपास का कंपनी प्रॉफिट लगातार कर रही है, अपना प्रॉफिट मेंटेन कर रही है कंपनी, सेल्स मेंटेन कर रही है। तो कंपनी मुझे कुछ ज़्यादा कुछ खास टेंशन दिखाई देती है, तो इसलिए मैं जेंसर के लिए भी होल्ड एंड मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी होल्ड एंड एक्युमुलेट की स्ट्रैटेजी रहेगी, एक्युमुलेट या बाय ऑन
डिप, ये मेरी स्ट्रेटजी इसके लिए भी रहने वाली थी। जेंसर इज ऑल्सो अ गो फॉर मी। तो देखिए, हालांकि टाइटल था वीडियो का कि प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं, क्या भाग जाएं? भागने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अगर अच्छी कंपनी सही जगह पे मिल रही है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बजाज कंज्यूमर केयर, बजाज कंज्यूमर, बजाज कौन आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी 2500 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का ROC बहुत ही शानदार, बहुत ही अट्रैक्टिव, और इंडस्ट्री भी 31 का है और कंपनी आपकी 13.4 का, विच इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। कंपनी के पास 20 करोड़ का डेट था, कंपनी के पास 23 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है भैया, डेट फ्री कंपनी है, कंपनी इज डेट फ्री, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। और कंपनी क्या काम करती है, लीडर इन द इंडियन लाइट हेयर ऑयल सेगमेंट। बजाज कंज्यूमर मार्केट शेयर इन द लाइट हेयर ऑयल सेगमेंट हैज इंक्रीज फ्रॉम 64%। इसका जो हेयर ऑयल सेगमेंट का जो मार्केट शेयर था, पहले 52% था, वो बढ़ के 64% के आसपास आ गया है। कंपनी कॉस्मेटिक्स बनाती है, टॉयलेटरीज बनाती है और पर्सनल केयर की काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाती है। तो बेसिकली कंपनी बहुत ही शानदार है और बजाज का नाम जुड़ा है तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। चलिए देखते हैं कंपनी के थोड़े से सेल्स के ऊपर में, कंपनी की सेल्स कैसी है, कंपनी क्या कर रही है, सेल्स बढ़ी है या घटी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 200-225 करोड़ के आसपास में मेंटेन्ड है, कोई टेंशन नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो 40 से 50 करोड़ के आसपास में रेंज में वेरी कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को प्रॉफिट गिरेगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा, बट कंपनी नेट प्रॉफिट भी 40 से 50 करोड़ के आसपास में कंपनी मैनेज कर रही है। थोड़ा सा प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है, बट ठीक है, कम से कम एक रेंज में तो कंपनी है। एक टाइम पर कंपनी 25 करोड़ का काम करती थी, प्रॉफिट करती थी, अब कंपनी 40 करोड़ का काम तो कर रही है, तो कंपनी मेरे हिसाब से ठीक है। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ेगा, अब मार्केट खुल रही है तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की मार्केट वैसे भी खुलने वाली है, तो यहाँ पे ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा कुछ अलार्मिंग बात नहीं होती है। अगर अलार्मिंग बात मुझे दिखाई देगी तो यहाँ से दिख सकती है, चार्ट पे दिखाई दे सकती है। प्रमोटर क्या कर रहे हैं, प्रमोटर्स बेसिकली अपने 38% के स्टेक को होल्ड करके बैठे हुए हैं। FIs ने थोड़ा सा माल को लिक्विडेट किया, उन्होंने बेचा है। DIs ने थोड़ा सा खरीदा है, बट पब्लिक ने भी कुछ खरीदा। तो यहाँ से कोई खास मैं अगर देखूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेके मैं इन डिसीजन में हूँ। यहाँ पे इसको लेके मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं बेसिकली इसके चार्ट पे चला जाऊँगा। यहाँ मुझे कोई खास अलार्मिंग चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं और चार्ट मेरा क्या कहता है, चार्ट इज़ सेइंग कि ये कंपनी एक डाउनफॉल में है। डाउनफॉल की कंपनीज भैया मुझे स्पेशली पसंद आती है, मैं आपको बता दूं, जो लोग पुराने मुझे जानते हैं, मैं कंपनीज को लेने की कोशिश करता हूं जो गिर रही होती हैं। तो यहां पे कंपनी ने एक मेजर सपोर्ट तोड़ा है अपना 200 रुपए का, 200 रुपए के ऊपर जिस दिन चलेगी उस दिन इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। यहां पे कंपनी अब जो सपोर्ट तलाशने वाली है वो सपोर्ट तलाशने वाली है यहां पे 135 के आसपास में। कंपनी 150 तोड़ती है तो 135 के आसपास मुझे अगर कंपनी मिलती है तो मैं यह कंपनी को बाय ऑन डिप्स के आसपास में एक बार लेने की कोशिश करूंगा, कंसिडरिंग ऑल दी फैक्ट्स की कोई बैड न्यूज़ ना हो। पूरा अच्छे से खंगालेंगे, पूरा सोचेंगे, एक वीडियो में सब चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता है, तो देखेंगे इस कंपनी कोई बैड न्यूज़ ना हो, कोई फंडामेंटल्स ख़राब तो नहीं हो रहे हैं। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में ये कंपनी वापस से ग्रो करेगी। हालांकि हाल फिलहाल जनवरी 2020 से कंपनी एक अप ट्रेंड की कंपनी थी और जितने गेंस हुए थे, देखिए इस कंपनी में क्रैश हुआ बेसिकली, जितने गेंस थे ऑलमोस्ट 40% के आसपास का ये स्टॉक गिर चुका है। 300 रुपये से गिर के स्टॉक 200 रुपये से नीचे आ चुका है। इसको अच्छे से देखना होगा कि ये स्प्लिट की वजह से हुआ था, क्या हुआ था, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पे देखिए ये बड़ी वॉल्यूम बार है, जो इंस्टीट्यूशंस को यहाँ लेके गए थे वो बड़ी सेलिंग हो रही है बेसिकली। ये वाली सेलिंग तो अभी नहीं देखने को मिली है, बट यहाँ पे जाके जो सेलिंग हुई है, बट ये इंस्टीट्यूशन अभी दिखाई देते हैं मुझे यहाँ पे कुछ तो निकलना स्टार्ट हुए हैं, बट मेरे ख्याल से 125-130 रुपए के आसपास में आके ये दोबारा से इनमें री एंट्री का मौका मिल सकता है। तो गाइज इसको भी आप रडार में रख सकते हैं। सो आई होप गाइज ये 5-6 जो इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं ये आपको बेचने चाहिए या आपको खरीदने चाहिए, इस वीडियो से आपको शायद कोई हेल्प मिलेगी। आपको हेल्प मिल रही हो तो प्लीज अपने दोस्तों से हेल्प करना मत भूलिएगा, उनसे भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक जरूर कीजिए गाइज क्योंकि आपके लाइक्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं नया वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं किसी और नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, टेक केयर, बाय, जय हिंद।